क्या नाम है आपका? राकेश जैन। व्यापारी हैं? हाँ। आज लाल चना क्या भाव रहा? 500 लगा के 5800 बता। ऊपर में कितना भाव रहा आज? ऊपर में मौसम्बी बिका 7200 रुपये, विशाल 5800 रुपये, एवरेज माल 5500 रुपये। अच्छा, कितनी आवक रही आज मंडी में? 500 बोलेगी। और अभी किस तरह की डिमांड है चने की अपने पास? चने की डिमांड कमज़ोर है अभी। अच्छा, क्यों कमज़ोर हो गई डिमांड अचानक से चने की? अभी मार्च एंडिंग भी है, लोगों का रुझान कम है, बाजार में मद्दा जा सकता है ऐसा है। अच्छा, अब आने वाले समय में डिमांड किस तरह की रहने की संभावना? अब ये तो डिमांड के ऊपर ही है, डिमांड कैसे बता सकते हैं अपन। अच्छा, शादी ब्याह चालू रहेंगे तो डिमांड थोड़ी बहुत रहेगी, बाकी क्या है, सरकार दाल दे रही है 60 रुपये किलो के अंदर, चने की डिमांड में भी कम हो गई। सरकारी खरीद भी शुरू है उधर तो उसमें? कहीं भी नहीं, अभी पूरे कहीं नहीं, MP में कहीं भी खरीद नहीं चालू है। बाजार मंडियाँ तेज बिक्री है, सरकार 5400 में खरीदेगी, कोई देने को तैयार नहीं अभी 5400 में सरकार को। अच्छा, तो फिर यहाँ फ़ायदा हो रहा है उसका, लोग आ रहे हैं यहाँ पर लेकर के? लोग तो आ रहे हैं मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी बार पिछले साल की तुलना में इस साल यदि हम बात करें तो किस तरह की आवक है और क्या फ़ायदा हो रहा है? पिछले साल से आवक ज़्यादा है इंदौर मंडी में। अच्छा, मतलब उत्पादन ठीक हुआ है? हाँ, उत्पादन ठीक है इस बार। तो फिर आवक ज़्यादा है तो दाम पर इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में, हमको लग रहा है? अब जैसे पैसे की क्राइसिस भी आ जाएगी अब थोड़े समय बाद अप्रैल के अंदर, तो बाजार तो कम आ सकता है, 100 रुपये और मध्य जा सकती है बाजार में। अच्छा, और यदि हम बात करें कौन कौन से गांव से आता है हमारे पास? हरदा टेमनी तक कमाल आता है यहाँ पे। अच्छा, हमें इधर पूरा नीचे घाट नीचे का पूरा आता है। पैकेज जी, डॉलर की किस तरह की आवक आज छावनी अनाज मंडी पर? डॉलर की आवक थी 3500 बोली की। अच्छा, लगातार आवक बढ़ रही है डॉलर की? आवक बढ़ रही है मगर अभी त्यौहार आ गए इसलिए छुट्टी चल रही है। अच्छा, किस तरह की मतलब डिमांड आवक की है अभी मार्केट में हमारे पास? वही ऊपर बाजार 1500 बिक गया था जो अब घट के अभी 101-102 रुपये है। अच्छा, लगातार आवक बढ़ रही है हमारे पास? हाँ, आवक बढ़ रही लगातार। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह की आवक रहेगी? आवक वो रहेगी, बाजार 100 के अंदर चला जाएगा। 100 के अंदर चले जाएगा। और यदि हम बात करें तो डिमांड किस तरह से बढ़ने की संभावना है आने वाले समय? एक्सपोर्ट के ऊपर डिमांड है पूरा। अच्छा, अभी एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? एक्सपोर्ट की स्थिति अच्छी है, जितना माल आ रहा जा रहा है उसको एक्सपोर्ट में जा रहा है, घर में खाने में भी जा रहा है अभी इधर अपने। अभी डिमांड अच्छी है। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग मांगें भी बढ़ेगी, तो फिर संभावना है दाम बढ़ने की? नहीं, अभी माल की आवक बढ़ जाएगी उस समय तक। अच्छा, और यदि हम बात करें तो लगातार आवक भी बढ़ रही है हमारे पास, कौन कौन सी क्वालिटी का आता है हमारे पास डॉलर? डॉलर आता है, बिटके आती है, काकटू आता है। अच्छा, आज का दाम रहे ऊपर में? ऊपर में 105 रुपये था। और नीचे में? नीचे में 95। पिछले साल की तुलना में क्या अंतर देखने मिल रहा है आपकी बार? पिछले तो इस समय बाजार तेज है पिछले साल से। अच्छा, आने वाले समय में भी तेजी की संभावना है? कम लग रही है। अच्छा, उत्पादन कम रहा क्या आपकी बार डॉलर का? नहीं, उत्पादन अच्छा है, लोगों को पिछली बार पैसा अच्छा मिला किसानों को, तो लोगों ने डाला ज़्यादा बोया। चलिए, आपका नाम क्या है? महेश मुखर्जी। क्या लेके आए थे महेश जी? चने। क्या भाव गया चने का? 5515। अच्छा, अधिकतम कितना गया आज मंडी में? दस यही इसके आसपास, इससे ऊपर गया ही नहीं। और नीचे में? नीचे नहीं है, 5000। दाम कम हो गए चने के? कम कर दिए।